मांडल में 1977 से जो मंदिर के पाट बंद हैं वो आज भी बंद हैं। जिस व्यक्ति का जन्म 1977 में हुआ आज वो 45-46 साल का है और तब 45-46 साल के होते हुए भी उसने उस मंदिर के दर्शन नहीं करे। मेरा प्रशासन से ये निवेदन है कि इस पे कार्य जल्दी किया जाए, क्योंकि ये सब जुडिस है तो पैरवी ढंग से की जाए, जल्दी की जाए और इसके पाठ तुरंत तरीके से खुलवाए जाए। और जब किसी आराध्य की बात आती है, जब आपके आपके देवनारायण की बात आती है तो भावुक होना तो स्वाभाविक है। तो इस बार भी जब कुछ दिनों पहले कुछ युवा भावुक हो गए और उन्होंने कुछ ऐसे कार्य कर डाले जो न्यायोचित तो नहीं है लेकिन मन की वेदना को ध्यान में रखते हुए ठीक है। तो मेरी प्रशासन से ये निवेदन है कि इनके ऊपर कोई ज्यादा कार्रवाई नहीं करी जाए और जितने भी लोग थाने में बंद हैं उनको तुरंत तरीके से जल्द रिहा किया जाए, छोड़ा जाए। अब मैं और हमारे साथ के सारे लोग, मेरी काफी लोगों से चर्चा हुई है पिछले 3-4 दिन से, तो हम जल्द ही मांडल आएंगे। मांडल आकर के जितने भी वहां के जो महानुभव हैं, जितने भी समाज के वरिष्ठ लोग हैं, जैसे आपके उदयलाल जी हैं, धन जी हैं, आपके भीलवाड़ा साहब के चेयरमैन साहब धनराज जी हैं और जो महंत हैं सुरेश जी, इन सबसे बैठ करके सब जो वहां के स्थानीय लोग हैं उन सबसे चर्चा करके इस मंदिर के पाट खोलने का जो रास्ता है वो अपन डिसाइड करेंगे। आप सबसे बातचीत करके और जो हमसे मदद चाहिए, जो हम कर सकते हैं वो करेंगे। इसके साथ ही मैं आप सबको ये भी बताना चाहूंगा कि बहुत जल्द हम सारे के सारे लोग सीएम साहब से मिलेंगे, पूरी संघर्ष समिति सीएम साहब से मिलेगी इस बारे में ये चर्चा करने के लिए और ये उनसे पूछने के लिए कब तक आप किवाड़ खोलेंगे। न्यायोचित तरीके से जो कार्य करने हैं वो हम सब करेंगे। आप सबका दिन शुभ हो, आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।